पाकिस्तानी वायरल गर्ल आयशा को जैसे इंडियन एक्टर फिजान अंसारी ने शादी के लिए प्रपोज किया था और वो इनके लिए पाकिस्तान भी आ गए, लेकिन आयशा पहले तो काफी नखरे कर रही थी कि उन्होंने शादी नहीं करनी क्योंकि उन्होंने 3 दिन में 2 करोड़ कमाया। तो इनकी नजर में उनकी ये पेशकश कि 15 लाख हक महर के साथ वो शादी करेंगे तो 15 लाख आयशा के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन आयशा शादी के लिए रजामंद कैसे हुई तो जानिए मुकम्मल तफसीलात हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे कि वायरल गर्ल आयशा ने फिजान अंसारी से 15 लाख के हक महर के साथ घर और गाड़ी की फरमाइश भी की थी और फिजान अंसारी ने सोचने का वक्त ले रखा था। लेकिन जैसे फिजान अंसारी बहुत ही अमीर अदाकार हैं, उन्होंने आयशा की ये डिमांड भी पूरी कर दी और आयशा को 15 लाख के हक महर के साथ घर और गाड़ी देने का भी फैसला कर लिया। मगर यहाँ बात अब हैरान कुन ये है कि आयशा ने फिजान को इंडिया छोड़ने का बोल दिया, जिससे फिजान ने अपनी सारी पेशकश वापिस कर ली क्योंकि ये बात तो तय थी कि फिजान वक्ती तौर के लिए इंडिया को छोड़कर आयशा के लिए पाकिस्तान तो आ गए, मगर अब इतना भी नहीं कि आयशा के लिए इंडिया को हमेशा के लिए ही छोड़ देंगे। मगर जैसे फिजान अंसारी ने हर जगह ये बात फैलाई हुई है कि वो आयशा को अपने ख्वाबों में देखते हैं और आयशा से ही शादी करेंगे, तो इंडियन कुछ अदाकारों का यही कहना है कि जैसे कि ये आयशा के लिए पागल हो गए हैं, अगर वाकई उन्होंने इंडिया छोड़ दिया तो क्या होगा, क्योंकि फिजान अंसारी आयशा को लेकर काफी सीरियस है और आयशा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। और इन्होंने आयशा के लिए भी सारे पेपर्स रेडी किए हुए थे कि उनको पाकिस्तान से इंडिया शादी करके लेकर आएंगे और आयशा की मोहब्बत में अपने गले में फूलों का हार तक पहन लिया। आयशा को बीवी बनाए बगैर पाकिस्तान से नहीं जाने वाले, तो शायद फिजान अंसारी आयशा की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दें। इसके अलावा मजीद ये भी बताते चले कि आयशा को इंडियन मीडिया वाले अच्छी लड़की नहीं समझते, उन्होंने आयशा को कुछ ज्यादा ही नेगेटिव वे में ले रखा है और उनका ख्याल है कि फिजान अंसारी को इंडिया में रहते हुए आयशा से बेहतर इंडियन लड़की मिल सकती है और वहाँ आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, मगर जहाँ बात दिल की आ जाए वहाँ कौन समझा सकता है। फिजान अंसारी को आयशा दिल पे लगी और इनकी वायरल होने वाली वीडियो को देखते ही फिजान अंसारी ने इनसे शादी करने की ढान ली और अब वो उनसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि इंडिया को भी छोड़ सकते हैं। तो आप इस बारे क्या कहना चाहेंगी कि क्या वाकई फिजान अंसारी को इंडिया छोड़कर पाकिस्तान हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर वायरल गर्ल आयशा को शादी करके पाकिस्तान से इंडिया चले जाना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आप सबके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं हमारे किसी और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक मच केयर ऑफ योर सेल्फ।